आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर है। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर, तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना के 424 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 171 कोरोना मरीज मिले, वहीं हरिद्वार जिले में 59, नैनीताल में 40, पौड़ी में 28, पिथौरागढ़ में 28, उधमसिंह नगर में 40, चमोली में 19, टिहरी में 16, रुद्रप्रयाग में 13, उत्तरकाशी अल्मोड़ा व बागेश्वर में 9-9 और चंपावत में 3 कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, इसमें HNBBS अस्पताल श्रीनगर में 2, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 1, दूर मेडिकल कॉलेज में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में कुल कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा 1285 पहुंच गया है, जबकि कुल मरीजों की संख्या 77997 पहुंच गई है। किसानों का भारत बंद, कल 11 से ज्यादा सियासी दल समर्थन में उतरे। तो कृषि कानूनों के खिलाफ 11 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों के 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद को कांग्रेस, TMK, आप, TRS और शिवसेना ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है। उत्तराखंड में कल जाम रहेंगे ट्रकों के पहिए। तो उत्तराखंड ट्रक परिवहन महासंघ ने किसान आंदोलन के समर्थन में 8 दिसंबर को प्रदेशव्यापी एक दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं बड़ी खबर है, दून में दूल्हा दुल्हन संक्रमित 2 रिश्तेदारों की मौत हो गई। तो देहरादून के कोतवाली सदर इलाके में हुई एक शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के संक्रमित होने एवं शादी में शामिल हुए 2 रिश्तेदारों की मौत से हड़कंप मच गया है। शादी में शामिल लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। शादी में शामिल अब तक 9 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 20 नवंबर को सेना के एक अधिकारी की बेटी और मर्चेंट नेवी में तैनात एक युवक की शादी कोतवाली इलाके में हुई थी। नव दंपति को कुल देवता की पूजा को हिमाचल जाना था, तो उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया। टेस्ट में दोनों संक्रमित पाए गए। दुल्हन की मां बहन भी संक्रमित मिली। जांच में दूल्हे के मौसा मौसी मामा मामी समेत करीब 9 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इसी बीच मौसा अहमदाबाद में एक अस्पताल में भर्ती हुए और 2 दिसंबर को उनका निधन हो गया। इसके बाद दून में दूल्हे के मामा की भी मौत हो गई। विभाग को जब इसकी सूचना मिली तो शादी में आए लोगों को ट्रेस किया गया। शादी में 70 लोग शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने की होमगार्ड के 3600 पद बढ़ाने की घोषणा। तो होमगार्डों को दिया आरक्षण का तोहफा। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य होमगार्ड के स्वीकृत पदों की संख्या 6411 से बढ़ाकर 10001 करने की घोषणा की है। इसी के साथ होमगार्ड को बंदी रक्षक और होमगार्ड विभाग के समूह ग पदों पर भी 25% का आरक्षण मिलेगा। फाइजर टीके को देश में आपात इस्तेमाल की मंजूरी संभव। तो ब्रिटेन और बहरीन में मंजूरी के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनी फाइजर ने देश में कोरोना टीके बेचने के लिए आवेदन किया है। सूत्रों के अनुसार मौजूदा नियमों के तहत उसे सशर्त मंजूरी दी जा सकती है। हालांकि इसके लिए ड्रग कंट्रोलर विदेशों से हुई टीके के परीक्षण के आंकड़े की गहन पड़ताल करेगा। उत्तराखंड में कल और परसों बारिश बर्फबारी की संभावना। तो राज्य में ऊंचे पर्वतीय हिस्सों में मंगलवार और बुधवार को बारिश और हिमपात होने का अनुमान है। मौसम केंद्र ने सोमवार मौसम में एक बार फिर करवट लेने की संभावना जताई है। 2 दिन मौसम खराब रहने के बाद 10 दिसंबर को मौसम ठीक रहेगा। मौसम केंद्र के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ जिले में मुख्यतः ऊंचाई वाले स्थानों में हल्की बारिश और हिमपात होने की संभावना है। हालांकि निचले व मैदानी स्थानों पर मौसम साफ रहेगा। वहीं 9 दिसंबर को भी बारिश व हिमपात होने से इन इलाकों में ठंड बढ़ेगी। छात्रवृत्ति घोटाले का आरोपी मुन्नी की रेती से गिरफ्तार किया गया है। चीनी कंपनी ने 2 करोड़ मोबाइल में वायरस डाले हैं। तो चीन की एक अदालत ने स्मार्टफोन निर्माता कंपनी जियोनी को मोबाइल फोन में जानबूझकर वायरस डालने का दोषी पाया है। दून में अब RTO से तय होगा विक्रम के हर स्टॉपेज का किराया। तो मनमानी पर कसेगी नकेल, RTO की टीम ने विक्रमों के रूटों का सर्वे करना शुरू कर दिया है। देहरादून में 3 लाख घर गैस पाइपलाइन से जुड़ेंगे। तो देहरादून में 8 साल के भीतर 3 लाख घरों को गैस पाइप लाइन से जोड़ा जाएगा। खबर है देहरादून के राजपुर रोड से, जहाँ पर रेस्टोरेंट संचालक की लग्जरी कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। तो राजपुर रोड पर साईं मंदिर के पास कार और बाइक की भिड़ंत में बाइक पर पीछे बैठे युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार का गंभीर हालत में उपचार चल रहा है। हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे बाइक नील गाय से टकराई, 2 कर्मचारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मसूरी में गोदाम में लगी आग। तो लंडोर बाजार स्थित साउथ रोड पर थोक व्यापारी के गोदाम में रविवार सुबह आग लग गई। हादसे में लाखों का सामान जलकर के राख हो गया।
देहरादून में साप्ताहिक बंदी का व्यापक असर। तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से रविवार को दून शहर में की गई साप्ताहिक बंदी का व्यापक असर दिखाई दिया है। सभी प्रमुख बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। होम एग्जाम होंगे या बिना परीक्षा पास होंगे छात्र। तो सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हुई है। कोरोना की वजह से स्कूल मार्च से बंद है। सालाना परीक्षाएं होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि छात्र अगली कक्षा में कैसे प्रोन्नत होंगे। कक्षा 5, 8, 9वीं और 11वीं की कक्षाओं में सालाना परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर ही छात्र अगली कक्षाओं में जाते हैं। नर्स भर्ती परिषद से कराने का रास्ता साफ हो गया। तो राज्य में स्टाफ नर्सों की भर्ती प्राविधिक शिक्षा परिषद से कराने का रास्ता साफ हो गया। सरकार ने नर्सिंग सेवाओं नियमावली में बदलाव करते हुए परीक्षा के लिए चिकित्सा चयन बोर्ड के अलावा प्राविधिक शिक्षा परिषद और अधीनस्थ चयन आयोग को भी भर्ती एजेंसी के रूप में शामिल कर लिया है। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे भाई को दराती से काट कर मौत के घाट उतारा। तो सीमांत क्षेत्र की पिपली स्थित धामी गांव में रविवार शाम चाय पीने को लेकर हुए मामूली विवाद में एक युवक ने अपने बड़े भाई की गला काट कर हत्या कर दी। प्रवासियों को नहीं भाई आउटसोर्स से नौकरियां। तो कोरोना काल में दूसरे राज्यों से उत्तराखंड लौटे प्रवासियों को उपनल की आउटसोर्स नौकरियां नहीं भाई। 20 सितंबर से अब तक हुए 55,000 रजिस्ट्रेशन से महज 4% लोग प्रवासी श्रेणी के हैं। केवल 2200 प्रवासी ने ही रोजगार के लिए उपनल में रजिस्ट्रेशन करवाया। बॉर्डर पर सड़कों के जाल में बौखलाए पड़ोसी देश। तो नड्डा, तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बॉर्डर पर सड़कों का जाल बिछाए जाने से पड़ोसी मुल्क चीन पाक बौखलाए हुए हैं। लेकिन भारतीय सेना आज ऐसी स्थिति में है कि हालत में दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकती है। खबर है कोटद्वार से, जहाँ पे सिद्धबली महोत्सव के समापन पर गूंजे जागर। तो सर्वेश कुकरेती व उनके साथियों ने डोर थाली में जागरों की तान छेड़ी। सिद्ध बाबा को सवा मन रोट का भोग लगाया। मंगसीर बगवाल और बलराज मेला भव्य रूप से मनाएंगे। तो उत्तरकाशी से खबर है, जहाँ पे संग्राली गांव में ग्रामीणों की बैठक में मंगसीर बगवाल व बलराज मेले को भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया गया है। 15 दिसंबर तक कर दें प्रपत्र अपलोड। तो हेमंत नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने तीनों परिसरों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले वह छात्र जिनके वांछित प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन में अपलोड नहीं हुए हैं, वह 15 दिसंबर तक अपने उक्त प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर यूजर आईडी एवं पासवर्ड द्वारा अपलोड कर दें। देवप्रयाग के शिक्षक से 8 लाख की ठगी में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में साइबर ठगी के मुख्य सरगना समेत 3 आरोपियों को यूपी के हापुड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। घनसाली से खबर है, जहां पे भालू के हमले से युवक घायल हो गए। तो बिलंगना गांव के अगुंडा बीट में एक युवक पर जंगली भालू ने हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। गढ़वाल में डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद श्रीनगर इकाई ने बाबा की पुण्यतिथि समरता दिवस के रूप में मनाई। समूह ग के पदों की ओटीआर नहीं होने से छात्र परेशान हो रहे हैं। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा प्रदेश में समूह ग के विभिन्न पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसकी 24 दिसंबर तक अंतिम तिथि है, किंतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर नहीं हो पा रहे हैं। विगत 3 दिनों से ओटीआर न होने से के कारण सैकड़ों अभ्यर्थी परेशान हैं। अभ्यर्थियों द्वारा फॉर्म भरने के लिए साइबर कैफे पहुंच रहे हैं, किंतु ओटीआर भरने का ऑप्शन बंद आ रहा है, जिसमें कोई विज्ञप्ति न होना दर्शाया जा रहा है। समूह ग के पदों को भरने के लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साह देखा जा रहा है, किंतु जिस अभ्यर्थी का पहले से ओटीआर नहीं था उसका फॉर्म नहीं भर पा रहा है। कांग्रेस नेता डॉक्टर मैखरी को दी अंतिम विदाई। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष अनुसूया प्रसाद मैखरी को रविवार को खड़गड़ी स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया।
वही खबर आई है, एक तरफ प्यार में युवक को अगवा करने की कोशिश, तो रुद्रपुर से खबर है जहाँ पे देर शाम एक युवक के अपहरण की सूचना पर पुलिस दौड़ पड़ी। हालांकि तलाश से पहले ही युवक घर पहुंच गया। बताया जा रहा है कि एक युवती ने एक तरफ प्यार में युवक के अपहरण की साजिश रची थी, हालांकि युवक बच निकला। जानकारी के अनुसार रविवार को देर शाम को पुलिस को सूचना मिली कि ट्रांजिट के निवासी एक युवक अपनी मोबाइल शॉप में बैठा था। इसी बीच कुछ युवक पहुंचे और उसे साथ ले गए। काफ़ी देर तक वह नहीं लौटा तो परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। इसी बीच परिजनों ने पुलिस को बताया कि युवक घर लौट आया। पुलिस ने युवक से पूछताछ की तो पता चला कि एक तरफा प्यार के चलते एक युवती ने कुछ युवकों संग मिलकर उसे अपहरण करने का प्रयास किया था। वह किसी तरह उनके चंगुल से निकल आया। एसओ ललित जोशी ने बताया कि देर रात तक दोनों पक्षों से पूछताछ जारी थी। अल्मोड़ा में एक और कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। तो अल्मोड़ा में एक और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। मरीज को रानीखेत से कोविड अस्पताल बेस को लाया जा रहा था, लेकिन मरीज ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही आधे रास्ते में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मरीज की रिपोर्ट शनिवार को ही कोरोना पॉजिटिव आई थी। पिथौरागढ़ में दो शिक्षक एक छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिमतड़ में दो शिक्षक व एक छात्र के कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने अन्य छात्र छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए 7 दिन के लिए विद्यालय में आवाजाही पर रोक लगा दी है। गढ़वाल को गैस आपूर्ति से पिथौरागढ़ में संकट। तो हरिद्वार प्लांट में सप्लाई बंद होने से हल्द्वानी से गढ़वाल क्षेत्र भेजे जा रहे हैं रसोई गैस। सीमांत में कम हो रही है सप्लाई। नेपाल से आवाजाही जारी। झूलाघाट में बड़ा संक्रमण। तो पिछले दिनों तक झूलाघाट क्षेत्र कोरोना संक्रमण की दृष्टि से शांत था, लेकिन नेपाली पेंशनरों ने भारत आने के बाद झूलाघाट में अचानक से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। इसका अंदाजा एक ही दिन में मिले 4 कोरोना संक्रमितों से लगाया जा सकता है। बिरथी फॉल में रैम्पलिंग का रिकॉर्ड बना। तो आई संस्था ने 148 मीटर ऊंचे बिरथी फॉल में रैम्पलिंग का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इससे सीमांत में पर्यटन कारोबार को गति मिलेगा। मुनस्यारी के उच्च हिमालय में बर्फबारी जारी। तो उच्च हिमालयी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बादल छाने से ठंड में इजाफा हो गया है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी तो निचले इलाकों में पाला गिरने का सिलसिला जारी है। पिथौरागढ़ टनकपुर रोड मार्च तक तैयार हो जाएगा। तो पिथौरागढ़ टनकपुर के बीच अगले साल मार्च तक वाहन फराटा भर सकेंगे। दबाव में हो रही अति शिक्षकों की तैनाती। तो अति शिक्षक संगठन ने अति शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति में शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। संगठन की बैठक में शिक्षकों ने नियमों का पालन कर समायोजन करने की मांग की है। रविवार को अति शिक्षक संगठन के अध्यक्ष प्रदीप नाथ गोस्वामी, कोषाध्यक्ष और पूर्व जिला उपाध्यक्ष चंचल कुमार ने यह आरोप लगाया है। सेना पर पथराव तोड़फोड़ मामले में 250 पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो रुड़की से खबर है जहाँ पे सैन्य क्षेत्र का गेट तोड़ने, पथराव करने और वाहनों में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने किसान नेता, ग्राम प्रधान समेत 250 अज्ञात ग्रामीणों पर बलवा समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। बुलंदशहर में चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म। तो बुलंदशहर में एक युवती के अपहरण के बाद चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म की सनसनी खेज वारदात सामने आई है। आरोपी वारदात के बाद पीड़िता को रास्ते में फेंक कर फरार हो गए। डबल लेन सड़क से जुड़ जाएंगे चीन सीमा से लगे गांव। तो जोशीमठ से खबर है जहां पे चीन सीमा से लगी चमोली जिले की नीति घाटी के गांव जल्द डबल लेन सड़क से जुड़ जाएंगे। बृहस्पति शनि 397 साल बाद करीब हैं। तो सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति और शनि 397 साल बाद 21 दिसंबर को एक दूसरे के बहुत ही करीब नजर आएंगे। इस दौरान दोनों ग्रहों के बीच की आभासी दूरी मात्र 0.06 डिग्री रह जाएगी। पेयजल निगम रिटायर कर्मियों को सोमवार को मिलेगी पेंशन। तो एसोसिएशन ने दी तालाबंदी की धमकी। तो पिछले 3 माह से नहीं मिला था वेतन। खबर है श्रीनगर से, अस्पताल में तैनात सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। तो मेडिकल राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबंध बेस अस्पताल में तैनात एक सुरक्षाकर्मी की शनिवार रात ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
मिक्सोथेरेपी से खतरे में मरीजों की जान, तो बीएमएस चिकित्सकों को सर्जरी का अधिकार देने पर एलोपैथिक चिकित्सकों ने आपत्ति जताई है। वही खबर है श्यामपुर से, राजमार्ग पर आए गजराज सुरसी के देहरादून मुख्य मार्ग पर 100 फुटी मेस के समीप देर शाम हाथियों का झुंड आ धमका। मसूरी विकास नगर में 25 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, कार ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत हो गई, तो देहरादून से खबर आई है। होमगार्ड को तोहफा, विभाग के समूह गांव में 25% आरक्षण दिया जाएगा, तो स्थापना दिवस पर होमगार्ड की रेतिक परेड हुई। वही खबर है देहरादून से अधिक दाम वसूलने पर शराब ठेके पर विवाद, ग्राहक को पीटने का आरोप लगाया, तो पटेल नगर क्षेत्र का मामला, मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को चौकी ले गई। खुलने के 21 दिन बाद ही बंद हो गए दून के सिनेमाघर, तो देश में मार्च से लागू लॉकडाउन से पहले बंद हुए सिनेमाघरों की स्थिति 10 महीने बाद भी पटरी पर नहीं लौट पाई है। दून में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामले और संक्रमण फैलने की डर से दर्शक सिनेमाघरों में फिल्म देखने से बचना चाहते हैं। वही खबर यह है किशनपुर में समस्याओं की भरमार, कहीं सिस्टम तो कहीं लोग जिम्मेदार हैं। कोरोना काल में घर लौटे प्रवासियों के बनेंगे वोटर कार्ड, तो कोरोना संकट काल में घर लौटे प्रवासियों के लिए निर्वाचन विभाग ने भी पहल शुरू कर दी है। जो लोग कोरोना काल में नौकरी छोड़कर घर लौटे हैं, उनके लिए निर्वाचन विभाग ने उत्तराखंड राज्य में मतदाता बनने के लिए रास्ता खोल दिए हैं, तो 12 और 13 दिसंबर को इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अब चलती ट्रेन में क्रेडिट डेबिट कार्ड से टिकट भुगतान कर सकेंगे यात्री, तो रेल यात्रा के दौरान चेकिंग स्टाफ द्वारा पकड़े जाने पर बे टिकट यात्री अब जुर्माने की रकम नगद के साथ ही क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी भुगतान कर सकेंगे। किट्टी के नाम पर महिला से 20 लाख रुपए ठगी किए गए हैं, तो देहरादून से खबर है जहाँ पे दंपति सहित 3 के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज किया है। 8 लाख की ठगी के साथ 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल में 71 पदों पर टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन भेजने की अंतिम जो तिथि है वो 23 दिसंबर रखी गई है। हाउस सर्जन बनने का अवसर, तो हाउस सर्जन के 37 पदों पर भर्ती निकली हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, और इसके आवेदन पत्र भेजने की जो तिथि है वो 19 दिसंबर रखी गई है। अधिकारी के विभिन्न पद रिक्त करें आवेदन, तो यूके 3CCC में उत्तराखंड अधिनियम चयन आयोग में 854 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए स्नातक हिंदी टंगणक इत्यादि पात्रताएं होनी चाहिए, और इसके आवेदन की अंतिम जो तिथि है वो 24 दिसंबर रखी गई है। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार, तो जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में सामूहिक चिकित्सक संघ की वैकेंसी निकली हुई है, टोटल पद यहाँ पे 14 हैं, और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, ये पद जो है वो साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाएंगे। कालाष्टमी, आज काल भैरव की होगी पूजा, तो शहर में आज कालाष्टमी मनाई जाएगी। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव का अवतरण हुआ था। विश्वविद्यालय और कॉलेजों की जरूरतों के अनुरूप लागू हो नई शिक्षा नीति, तो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से आयोजित गोष्ठी में बुद्धिजीवियों ने अपने विचार रखे। कोटद्वार से खबर है, वन दरोगा ने 5 लोगों पर लगाया मारपीट का आरोप, पुलिस को दी तहरीर, कार्रवाई की मांग की है, तो लोक सेवकों के साथ अभद्रता कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। खबर है, लैंसडाउन से पार्टी में फायरिंग करने का आरोपी गिरफ्तार हो गया, तो पुलिस ने कुली मोहल्ले में अजीत नामकरण पार्टी में फायरिंग कर महिला को घायल करने वाले आरोपी को कोटद्वार से गिरफ्तार कर लिया। कोरोना से चंबोली व टिहरी में 2 बुजुर्गों की मौत हो गई। माल्टा के समर्थन में हरीश रावत शुरू करेंगे अभियान, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने पर्वतीय जिलों में माल्टा उत्पादन किसानों के समर्थन में जल्द ही नई मुहिम शुरू करने की घोषणा की है।
बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो आरटीआई कार्यकर्ता की मौत के मामले में दोस्तों पर हत्या का मुकदमा दर्ज, तो साजिश के तहत हुई थी पंकज की हत्या। तो उत्तराखंड के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले का पर्दाफाश करवाने वाले सामाजिक एवं आरटीआई कार्यकर्ता पंकज लामा की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से हुई मौत के मामले में पुलिस ने दोनों दोस्तों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मृतक की पत्नी ने पुलिस को तहरीर देकर दोनों दोस्तों पर कहीं चोरी होने की बात कहकर घर से ले जाने का आरोप लगाया था। मालूम हो कि आरटीआई कार्यकर्ता पंकज लामा शुक्रवार देर रात रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सुमन नगर स्थित वैद एनक्लब में एक घर में आयोजित पार्टी में शामिल होने गए थे। पार्टी पंकज लामा के दोस्त मानव के परिचित के घर थी। पंकज के साथ तो उनके दोस्त कासिम और मानव भी मौजूद था। घर पर दो नाबालिग बहनें और उनके दो छोटे भाई ही रहते हैं। पंकज लामा और उनके दोस्तों ने वहां शराब और चिकन की पार्टी की। पंकज अपनी लाइसेंसी राइफल लेकर वहां गए थे। पुलिस के अनुसार पार्टी के दौरान एक किशोरी की जिद पर उन्होंने मैगजीन निकालकर अपनी राइफल उसे दे दी थी। किशोरी ने राइफल का ट्रिगर दबाया तो चैम्बर में फंसी गोली चल गई और पंकज की गर्दन छेद कर पार हो गई। अस्पताल में ले जाते समय डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आरटीआई कार्यकर्ता पंकज लामा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को उनके भाई अरुण लामा ने हत्या करार दिया है। उन्होंने आशंका जताई कि इसके पीछे छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी या खनन माफिया हो सकते हैं। दुकान के ताले तोड़ उड़ाए 4 लाख के मोबाइल, तो खबर है हरिद्वार से, जहां पर नगर कोतवाली के मायापुर में 2 मंदिरों में भी ताले तोड़े गए हैं। हरिद्वार से खबर है, जहाँ पर कर्मचारियों ने किया भारत बंद का समर्थन, तो केंद्र सरकार पर लगाया किसानों के मामले को उलझाने का आरोप। 11 दिसंबर के बाद नहीं विवाह के मुहूर्त, तो विवाहों का सीजन अब बीतने वाला है। 11 दिसंबर आखिरी शुभ मुहूर्त है। इससे पहले 7, 9 और 10 दिसंबर को भी शादी के मुहूर्त हैं। 11 दिसंबर के बाद ग्रहों की चाल के चलते कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं होगा। शादी के लिए अगले साल 18 अप्रैल तक का इंतजार करना होगा। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो भीषण आग से जला ब्लैकबेरी का शोरूम, हल्द्वानी की टेढ़ी पुलिया की घटना, कर्मचारी और ग्राहकों ने भागकर जान बचाई। तो नैनीताल रोड पर टेढ़ी पुलिया स्थित ब्लैकबेरी कपड़ों के शोरूम में रविवार दोपहर भीषण आग लग गया। शोरूम में 4 कर्मचारी और ग्राहक ने भागकर जान बचाई। करीब 60 फीट ऊंचाई तक धुएं का गुबार दिखाई दिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया। हादसे के चलते नैनीताल रोड पर जाम लग गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शोरूम मालिक का कहना है कि आग से लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। शोरूम की आग से पड़ोस में मोमो की दुकान भी क्षति पहुंची है। इस बार ठंड, बारिश, बर्फबारी से टूट सकते हैं सारे रिकॉर्ड। तो मानसून के जाने के बाद कुमाऊं क्षेत्र में बारिश का सूखा ही रहा है। कुछ जिलों में केवल बूंदाबांदी हुई है। पति समेत 2 के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो हल्द्वानी से खबर, जयपुर कोतवाली पुलिस ने पति और ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है। समाज सेवा में जो जुटी है युवाओं की टोली, तो कोरोना काल में कई युवा समाज सेवा में जुट गए हैं। युवाओं का संगठन वंदे मातरम ग्रुप ठंडी रातों में जरूरतमंदों को कंबल वितरण करने का काम कर रहा है। वो हवल ग्रुप बेजुबान जानवरों की मदद करने के काम में लगा हुआ है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो नए साल में सीमांत के लोगों को मिलेगी टनकपुर में इलेक्ट्रिक ट्रेन का तोहफा। तो बड़ी रेल लाइन एक्सप्रेस सेवा के बाद अब टनकपुर के सीमांत के यात्रियों को जल्द इलेक्ट्रिक रेल सेवा की सौगात मिलने वाली है। पूर्णागिरी में मिलेगी जियो कंपनी की मोबाइल संचार सेवा। तो विधायक गहतोड़ी की पहल पर कंपनी ने तेजी से शुरू किया है काम। खबर है, टनकपुर चंपावत से विवाहिता की मौत पर पति और देवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो विवाहिता के भाई ने दर्ज कराई रिपोर्ट, आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। कोरोना चंदा जुटाने को नहीं मिल रहे छात्र, तो जरूरतमंद पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की सहायता के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर जुटाया जाता है चंदा।
तो 7 दिसंबर सोमवार को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाएगा। जरूरतमंद पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की सहायता के लिए 7 दिसंबर 1949 से झंडा दिवस मनाया जाता है। आम लोगों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनके आर्थिक सहयोग लिया जाता है, लेकिन कोविड 19 संक्रमण के चलते इस बार झंडा दिवस पर NCC कैडेट और बच्चे कार्यालय नगर के प्रस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर चंदा जुटाने के लिए जाने से कतरा रहे हैं। कपकोट में प्रसव के 4 घंटे बाद महिला की मौत हो गई, तो नवजात स्वास्थ्य मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचित किया गया है। खबर है अल्मोड़ा से बाइक रपटने से 3 लोग घायल हो गए। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो भारत बंद के समर्थन में जिले के बाजार नहीं खुलेंगे। 8 दिसंबर को किसान आंदोलन के राष्ट्रीय आह्वान पर रुद्रपुर समेत कई बाजार बंद रहेंगे। सेवानिवृत्त सूबेदार एवं राज्य आंदोलनकारी उमापति जोशी का निधन हो गया। वही खबर आई है, दिनेशपुर में युवाओं ने शराब की दुकान में जड़ा ताला, हंगामा हुआ है तो ओवर रेटिंग का विरोध करने पर शुक्रवार रात एक युवक को पीट दिया था। वही खबर है काशीपुर से, जहां पे टीन सेट के एंगल पर लटका मिला सेल्समैन का शव। तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत, तो बाजपुर से खबर है, जहां पे गांव शिवपुरी बादरीपुर क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से तेंदुआ आबादी के इर्द गिर्द घूम रहा है।